हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाला धोती सलवार। तो इसके लिए हमें 2 मीटर तक का फैब्रिक चाहिए। तो फैब्रिक को हम सबसे पहले ऐसे तिरछा फोल्ड कर लेंगे। ऐसे करके हमने तिरछा इसे फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से जो फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से हमें लेंथ लेनी है। तो जो लेंथ हमने सलवार की जो रखी है वो 36 इंच टोटल लेंथ है। तो उसमें से हम 6 इंच हम बेल्ट के लिए माइनस कर देंगे तो हमारा 30 इंच बच जाएगा। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई का मार्जिन लेके, तो 31 इंच आ जाएगी इसकी लेंथ। और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम अपना क्रॉच एरिया पे मार्क करेंगे 8.5 इंच पे। अब इस पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। सेम हमें ऐसा ही 2 पार्ट्स चाहिए, तो हमने दूसरे पार्ट्स की भी कटिंग कर ली। अब इसको एक साथ रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट्स में भी हमें क्रॉच एरिया का निशान लगा लेंगे सेम। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ से इसको डबल हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम अपनी हिप की चौड़ाई का हाफ ले लेंगे और उसमें हमें 3 इंच ऐड करेंगे। और यहाँ से जो हमारी 6 इंच की बेल्ट थी उसमें हमें 2.5 इंच के करीब हम ऐड कर लेंगे, तो ये 8.5 इंच हो जाएगा। यहाँ से भी मार्क करके हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट का पोर्शन कट गया। और ये ऊपर की साइड से हम ऐसे हमारा नेफा फोल्ड होगा और नीचे हम जब इसको ऐड करेंगे तो ऐसे हमारी प्लेटें लगा के हम इसे स्टिच करेंगे। तो इसकी जो लुक जो आएगी वो इस तरह से आएगी वैसे। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपना क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे जो हमने 8.5 इंच पे मार्क किया था, और दूसरी साइड भी ऐसे ही हमें स्टिच कर लेना है दोनों एरिया को। अब ये हमारे दोनों स्टिच हो गए। अब ऊपर से हमें प्लेटें लगानी है, तो इसके लिए हमें जो हमारा तिरछा एरिया जो निकला हुआ है इसको हल्की सी हमें गोलाई दे देंगे। चाहो तो आप पहले भी दे सकते थे गोलाई, तो इसको हमने ऐसे गोलाई करके कट कर लिया। अब प्लेटी लगाने के लिए जो इसकी प्लेटें हैं, इस तरह से हम आगे की साइड फोल्ड करते हुए सेंटर तक हम प्लेटें लगा लेंगे। ये सेंटर तक हमने प्लेटें लगाई। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो आगे की साइड फोल्ड कर देंगे, यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक साइड आना चाहिए। तो यहाँ से भी हम हाफ तक इसको फोल्ड करके इसको प्लेटें लगा लेंगे और दूसरी साइड भी सेम हमें ऐसे ही करते हुए प्लेटें लगा लेंगे। तो जैसे हमने पहले साइड में प्लेटें लगाई थी वैसे ही यहाँ पे भी हम इस साइड भी सेम प्लेटें लगा लेंगे। ऐसे लगाते हुए हमने पूरे अपने ऊपर एरिया में प्लेटों को अटैच कर लिया है, उसकी प्लेटें लगा ली हैं। अब नीचे से हमें अपना जो मोरी का है वो साइज छोड़ना है, तो इसके लिए हमें 8-8.5 इंच तक हम ऐसे फोल्ड करके इसको यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस साइड भी हमें सेम वैसे ही सिलाई लगानी है फोल्ड करते हुए। ऐसे ही हमें दूसरे हिस्से वाले जो दूसरे पैर है उसमें भी हमें सेम ऐसी ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों साइड हमारी सिलाई लग गई। अब यहाँ से जो हमारा मोरी का जो ओपन रहेगा उसको हम ऐसे सेंटर से रखते हुए मोरी का जो ओपन साइज़ है उसको निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें मोरी के लिए हमें 7 इंच पे हमने ऐसे मार्क कर लिया है।
तो ये हमारा ऐसे मोरी यहाँ से खुलेगी, ओपन रहेगी। ऐसे ही हमें दूसरे वाले हिस्से में भी सेम निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। अब इसको सिलाई करने के लिए चाहो तो आप नीचे से भी सिलाई कर सकते हो, नहीं तो हमें सेंटर में से बराबर इक्वल लाने के लिए हमें सेंटर में रखते हुए नीचे तक सिलाई लाएंगे। और जहाँ हमारा हिस्सा ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ से हमें हल्का सा तिरछा ले जाके हम इसको ख़त्म कर लेंगे। अब हमें बेल्ट का हिस्सा सिलना है नेफे के लिए, तो यहाँ से हमें 1/2 इंच तक ऐसे मार्क कर लेंगे और इसको नीचे से हमें 2 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। ऐसे करके हम नीचे तक मार्क कर लेंगे। अब ऊपर से जो हमने 1/2 इंच पे मार्क किया है, यहाँ पे हम सिर्फ इतनी तक ही सिलाई लगाएंगे और उसको निकालते हुए नीचे हमने जो 2 इंच पे छोड़ते हुए मार्क किया था, ऐसे नीचे तक हमें सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी नीचे तक सिलाई लगा ली। अब जो दूसरी साइड जो हमारा ओपन हिस्सा था, उसको भी हमें स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, यहाँ से अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे नीचे तक। ऐसे हमें इस साइड भी ऐसी सेम सिलाई लगा लेंगे। अब इसे ऊपर जो हमने नेफे के लिए फोल्ड करना है, इसको ऐसे रखते हुए अंदर की साइड फोल्ड करके हमें सिलाई पूरे राउंड में लगा लेंगे। चाहो तो इस सलवार को आप बेल्ट वाली और या इलास्टिक वाली सलवार भी बना सकते हो। तो हम इसे नेफे के लिए हमने फोल्ड किया है इसको। यहाँ तक हमारा नेफा बनके तैयार है। अब इसमें हमें नीचे वाले पोर्शन को अटैच करना है, तो इसके सेंटर में हमें अटैच करना है। तो इसका सेंटर लेंगे और जो हमारी सलवार का जो नीचे का हिस्सा है उसका सेंटर लेंगे और ऐसे सेंटर से सेंटर को जॉइंट करते हुए हमें सिलाई करनी है। पीछे वाला सेंटर पीछे वाले सेंटर से जॉइंट होगा और फ्रंट वाला सेंटर फ्रंट वाले सेंटर से जॉइंट होके हमें पूरे एरिया में स्टिच कर लेंगे इसको। तो ऐसे रखते हुए हमें पूरा अपना जो बेल्ट है उसको स्टिच कर लेनी है। अगर यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है तो यहाँ पे 1 या 2 प्लेटें हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके खोलते हुए हल्का सा इसमें प्लेटों से एडजस्ट कर लेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें सेंटर से सेंटर को ही अटैच करना है। तो अगर थोड़ी सी प्लेटें अगर एक्स्ट्रा आ रही हैं तो उसको हम बना लेंगे। ये हमारी बेल्ट भी इसके संग अटैच हो गई है, ये देखिए। तो ये हमारी धोती सलवार बनके तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।